वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर मैथ्स क्लास। सो एज यू ऑल नो दैट वी आर डूइंग रिविजन ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज नंबर सिस्टम। इन आवर प्रीवियस सेशन वी हैड स्टडीड अबाउट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। प्रीवियस क्लास में हमने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को पढ़ा और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किए। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट place value and face value of a digit in a number. और आज हम इन दोनों टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट टॉपिक इज फेस वैल्यू। व्हाट इज फेस वैल्यू? फेस वैल्यू की क्या डेफिनेशन होती है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ एट व्हाटएवर प्लेस इट मे बी। व्हाटएवर प्लेस मींस किसी भी स्थान पर। हमने फेस वैल्यू की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू उस नंबर में, वो डिजिट खुद होता है, वो अपनी फेस वैल्यू खुद होता है इटसेल्फ, चाहे वो किसी भी प्लेस पर क्यों ना रखा हो। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। इन द न्यूमरल 90654 हम इसे क्या पढ़ते हैं, 90,654। ठीक है, इस न्यूमरल में हर एक डिजिट की फेस वैल्यू को हम लिखेंगे। द फेस वैल्यू ऑफ 4 इज, 4 की क्या फेस वैल्यू होगी, 4, बिकॉज हमने अभी क्या पढ़ा डेफिनेशन, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जो डिजिट्स गिवन होंगे वो खुद अपनी फेस वैल्यू होंगे। द फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, द फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6, द फेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0, द फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9। तो हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कंफ्यूज नहीं होना है। फेस वैल्यू वो डिजिट इटसेल्फ होता है, चाहे वो किसी भी प्लेस पर हो। अगर कोई भी नंबर आपको गिवन हो और आपसे पूछा जाए, कोई भी डिजिट अंडरलाइन किया जाए और आपसे पूछा जाए राइट द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, मतलब जिस डिजिट को अंडरलाइन किया गया है सिर्फ आप उस डिजिट की फेस वैल्यू को लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, इस नंबर में 6 को अंडरलाइन किया गया है तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 की फेस वैल्यू 6 होगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लोगे। चाहे आप हर एक डिजिट की फेस वैल्यू को लिखो या आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए अंडरलाइन किसी एक डिजिट की फेस वैल्यू को लिखो, तो आप उस डिजिट की वैल्यू वो डिजिट खुद लिख दोगे। ओके, सो फेस वैल्यू के बारे में हमने क्या पढ़ा, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो डिजिट इटसेल्फ होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की क्या डेफिनेशन होती है, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर depends upon its position in the place value chart. किसी भी digit की place value किस पे depend करती है, किस पे निर्भर करती है, place value chart पे। और place value chart हमें पता है क्या होता है, ones, tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, हम दिए हुए number में जितने भी digits होते हैं उन्हें place value chart के according पहले arrange करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उस हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है। तो चलिए इन द न्यूमरल, ये एक एग्जांपल है 750312, हम इसे क्या पढ़ेंगे, 750312, हमने इसे प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख। ठीक है, अब हम हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2, वंस के प्लेस पे है तो वंस के प्लेस का डिजिट एज इट इज हम लिख देते हैं, उसमें हम कोई भी जीरो नहीं लगाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, 1 टेंस के प्लेस पे है और टेंस के प्लेस पे जो भी डिजिट होता है हम उसमें 1 0 लगा के लिखते हैं उसे। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि टेंस के पहले एक डिजिट आता है ना, तो एक डिजिट है इसीलिए हम 10 लगाएंगे। जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे प्लेस वैसे ही हम जीरो भी बढ़ाते जाएंगे।
सो अब हम 100 के प्लेस को देखते हैं। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 300 के प्लेस पे है, और 3 को हम कितने जीरो के साथ लिखेंगे, 2 जीरो के साथ, क्योंकि 3 से पहले 2 डिजिट हम निकाल चुके हैं, लिख चुके हैं, इसीलिए हम 3 को 2 जीरो के साथ लिखते हैं, 300। नाउ द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो, अब हमें ये याद रखना है कि जीरो किसी भी प्लेस पर क्यों ना हो, जीरो की प्लेस वैल्यू ऑलवेज जीरो होगी। क्या होगी? जीरो। चाहे आप सिंगल जीरो लिखो या टू टाइम्स थ्री टाइम्स, जीरो मींस जीरो। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 किस प्लेस पे है, 10,000, और 10,000 में हम कितने जीरो पुट करके लिखते हैं, 4 जीरो। तो 5 हम एज इट इज 5 लिखेंगे और इसके बाद कितने जीरो को लगाएंगे, 4, 1, 2, 3, 4, ओके, 5, 50,000 हो गया ये, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 50,000। नाउ नेक्स्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 किस प्लेस पे है, लाख, लाख के प्लेस पे है, तो 7 में हम कितने जीरो को पुट करके लिखेंगे, 5, 7 लिखा हमने, फिर अब हम 5 जीरो को इंक्रीज कर देंगे, तो हम इसे क्या रीड करेंगे, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, lakhs, 7 lakh, ठीक है, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, जितने डिजिट रह गए हैं उतने जीरो को इंक्रीज करते हैं। तो इसी तरीके से आपको कोई भी न्यूमरल गिवन होगा, आप उसे प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग पहले अरेंज करोगे और उसके बाद उसके पूछे गए डिजिट की प्लेस वैल्यू को लिखोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, तो आप इस न्यूमरल में हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को लिखोगे, जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आपसे पूछा जाए राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर, तो आप 5 की प्लेस वैल्यू को लिखोगे सिर्फ, ओके। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। जो भी आपको न्यूमरल गिवन होंगे उसमें जितने भी डिजिट होंगे आपको हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को लिखना है। तो आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे, जब आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जाए तब आप प्लेस वैल्यू लिखोगे, और जब आपसे फेस वैल्यू पूछा जाएगा तब आप फेस वैल्यू को बताओगे। तो हम वंस के प्लेस से स्टार्ट करते हैं, आप सेंटेंसेस भी लिखते जाओगे। दी किस तरह से लिखोगे सेंटेंस, दी प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल्स टू, 4 किस प्लेस पे है, वंस के प्लेस पे, तो 4 की प्लेस वैल्यू 4 होगी, ठीक है। अब आप ये सेंटेंसेस लिखोगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, और मैं आपको डायरेक्ट लिख के बताऊंगी कि आप क्या लिखोगे। तो सबसे पहले अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद 4 वंस के प्लेस पे है, 4 की प्लेस वैल्यू 4, 0 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, चाहे वो किसी भी प्लेस पर हो, जीरो की प्लेस वैल्यू ऑलवेज जीरो। 6 किस प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 600, ओके। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं, फिर यहाँ जीरो है, जीरो की प्लेस वैल्यू क्या होगी, जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो होगी। 3 किस प्लेस पे है, 10,000 के प्लेस पे, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 की प्लेस वैल्यू होगी, हम 3 लिखेंगे एज इट इज, और इसके पहले कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, इट मींस हम 4 जीरो इंक्रीज कर देंगे, क्या हो गया, 30,000। नेक्स्ट 9 किस प्लेस पे है, लाख के प्लेस पे है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9 में हम कितने जीरो को इंक्रीज करके लिखेंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, हम काउंट करेंगे ताकि एक भी जीरो ना कम हो और ना ही ज्यादा, वरना हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 5 किस प्लेस पे है, 10 lakh, तो 5 के पहले कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इट मींस हम 5 की प्लेस वैल्यू में कितने जीरो इंक्रीज करेंगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, क्या हो गया ये, 50 lakh। तो हमने हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को लिख दिया, आप सेंटेंसेस लिख के उसके बाद सीक्वेंस में सॉल्व करोगे, ठीक है। आप लिखते जाओगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 4, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 600, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 30,000, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 9 lakh,
रिप्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 50 लाख। ठीक है, तो जो भी न्यूमरल होंगे आप उनकी हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। जीरो की प्लेस वैल्यू ऑलवेज जीरो होगी। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज राइट द फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइंड डिजिट। ठीक है, दिस इज द गिवन नंबर। अगर इस नंबर में 9 के नीचे अंडरलाइन है तो आप क्या करोगे, सिर्फ 9 के फेस वैल्यू को लिखोगे। क्या लिखोगे, फेस वैल्यू किसके, 9 के, बिकॉज इसे अंडरलाइन किया गया है। तो आप लिखोगे सेंटेंस द फेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 9, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, उसमें कितने भी डिजिट्स क्यों ना हो, जो भी न्यूमरल होता है वो अपनी फेस वैल्यू इटसेल्फ होता है। ओके, तो 9 की फेस वैल्यू 9, सिर्फ आप 9 का बताओगे क्योंकि 9 को ही अंडरलाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, 77,28,651 में अगर मैं आपसे पूछूं 8 के फेस वैल्यू को बताइए, तो आप क्या लिखोगे, द फेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 8। क्लियर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 5,37,621। ओके, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि डिफरेंस मतलब क्या होता है। हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन मींस घटाना, माइनस करना। जब हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है, आंसर मिलता है, हम उसे डिफरेंस कहते हैं। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस किस नाम से आते हैं, फाइंड द डिफरेंस, इट मींस आपको सब्ट्रैक्शन करना है। बिटवीन मतलब बीच में, दो नंबरों के बीच जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो उसे हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन। और हम हमेशा सब्ट्रैक्शन बड़े नंबर में से छोटे नंबर को करते हैं। ठीक है, तो चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। अब इस नंबर में हमें 7 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों को पहले फाइंड आउट करना है, उसके बाद इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला हम स्टेटमेंट लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो पहले हम 7 के प्लेस वैल्यू को निकालते हैं। 7 किस प्लेस पे है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। थाउजेंड में हम कितने जीरो इंक्रीज करके लिखते हैं, 3। 7 के बाद हम 3 जीरो को पुट कर देंगे। ओके, ये 7 का प्लेस वैल्यू है। अब हम क्या लिखें, फेस वैल्यू किसकी, 7 की ही, द फेस वैल्यू ऑफ 7। किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो डिजिट इटसेल्फ होती है, तो फेस वैल्यू 7 की क्या होगी, 7। अब हम डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को करेंगे। हम कॉलम में पहले प्रॉपर अरेंज करेंगे, 7000 में से हमें 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हम 7000 में से 7 को यहां लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे, नो। हम कैसे लिखते हैं, हम कभी भी नंबर्स को जब अरेंज करते हैं तो हम वंस के प्लेस से लिखना स्टार्ट करते हैं नंबर्स को। ठीक है, तो हम वंस के कॉलम के नीचे 7 लिखेंगे। 7000 में से आपको 7 का सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन का साइन जरूर लगाएंगे। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करें, ऑल जीरो बोरो, क्या हो जाएगा, 10, 10 माइनस 7 क्या मिलेगा हमें, 3। अब यहां क्या हो गया, 9, यहां कोई डिजिट नहीं है, 9 हम एज इट इज लिख देंगे, यहां भी कोई डिजिट नहीं है, ये भी 9 है, एज इट इज लिख देंगे, और यहां क्या हुआ, 6। तो हमें क्या रिजल्ट मिला, 6993। ठीक है, जब हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 7 के फाइंड आउट किए और उनका डिफरेंस फाइंड आउट किया तो हमें रिजल्ट मिला 6993। हमें यहां तक ही प्रोसेस को सॉल्व करना था, दिस इज आवर रिजल्ट। ओके, सो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करोगे और उसके बाद प्रोसेस को कंप्लीट करोगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस गिवन नंबर। व्हाट इज दिस नंबर, दिस नंबर इज 9,54,382। इस नंबर में हमें 4 के प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करना है
उसके बाद 8 के भी प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, देन हमें डिफरेंस करना है, डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन करना है। कैसे करेंगे? बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, सबसे पहले किसका पूछा गया है हमसे, 4 का। तो हम क्या लिखेंगे? द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को हम कैपिटल पी डॉट कैपिटल वी डॉट इससे भी शो कर सकते हैं, ठीक है। द प्लेस वैल्यू ऑफ किसकी, 4, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या है, 4 की प्लेस वैल्यू, चलिए 1s, 10s, 100, 1000, 4 किस प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4000, ओके। नाउ नेक्स्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, अब इसी नंबर में 8 किस प्लेस पे है, 1s, 10s, 10s के प्लेस पे है, और 10s के प्लेस पे जो भी नंबर डिजिट होता है हम उसमें 10 को इंक्रीज करके लिखते हैं, इट मींस 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 80, ठीक है। हम क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करेंगे, जब प्लेस वैल्यू गिवन होगी तो हम प्लेस वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे, और जब यहाँ फेस वैल्यू गिवन हो तब हम फेस वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब हम क्या करें, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर का, 4000 में से 80 का, तो हमने 4000 और उसके नीचे 80 को लिख लिया। अब हम सब्ट्रैक्शन करें, 0 माइनस 0, 0, 0, 0, बोलो क्या हो जाएगा, 10, 10 माइनस 8, 2, दिस इज यहां क्या बचा, 9, और यहां 3, तो हमें क्या मिला रिजल्ट, 4000 में से जब हमने 80 को सब्ट्रैक्ट किया, घटाया, तो हमें रिजल्ट मिला 3920, ओके। हमें इसी नंबर को फाइंड आउट करना था, द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ऑल फॉर टुडे, डू द गिवन सम्स ऑफ होमवर्क इन योर होमवर्क कॉपी वेरी नीट एंड क्लीन एंड केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, देन सॉल्व इट। और आपका क्लास वर्क क्या है, आप क्लास वर्क में फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन लर्न करोगे और उसके बाद राइट करोगे इन योर होमवर्क कॉपी एज अ क्लास वर्क, ओके। इन योर होमवर्क कॉपी आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन को वन एग्जाम्पल के साथ राइट करोगे। जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम्पल आपको मैंने बताए हैं आप वही एग्जाम्पल नोट डाउन करो, आप कोई भी एग्जाम्पल नोट डाउन कर सकते हैं अपने आप, और डेफिनेशन आप व्हाइट बोर्ड से लिख सकते हैं या तो आप बुक की हेल्प ले सकते हैं, ओके। तो आपको लर्न करनी है डेफिनेशन एंड देन राइट करनी है। थैंक यू।